हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मार्केट से आई हूँ, कुछ सब्जियाँ लेनी थी। मैं भी आजकल चली जाती हूँ साथ में, अच्छा लगता है। और तो कहीं जा नहीं सकती घूमने के लिए, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होती है। मैं अकेले कहाँ जाऊँगी, और यहाँ पे है भी नहीं आसपास कुछ ज़्यादा घूमने वाली जगह, तो नहीं जाती हूँ। तो सब्जी लेने के लिए चली जाती है, अच्छा लगता है। और अभी ठंड काफ़ी बढ़ गई है, मैं स्वेटर पहनी हुई थी, क्योंकि गाड़ी पे आप जाते हैं कहीं पे तो हवा बहुत ज़्यादा लगती है, और वैसे भी हवा चल रही है काफ़ी। 3 दिन से हल्की हल्की बारिश होती है, बारिश तो कम होती है पर हवा चल रही है, जिस वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है। जो भी साग सब्जी लेके आई हूँ सबको रखूंगी, और गाजर लेके आई हूँ। ताजी गाजर तो नहीं मिली है, वो थोड़ा सा सूखा दिख रहा है, मतलब होगा 1-2 दिन का रखा हुआ। तो गाजर का हलवा बनाना था, कई दिनों से सोच रही हूँ। अनु बोल रहा है कि गाजर का हलवा खाना है, सर्दियों में अच्छा लगता है, तो वही लेके आई हूँ। हलवा बनाऊंगी, आप सबके साथ भी शेयर करूंगी। तो सब्जी सबको थैले से निकाल ली हूँ, और आलू लाई हूँ, और गाजर है, गोभी है, और वो जो दिखा रही थी मैं, मूंगरे बोलते हैं यहाँ पे, मूली का जो बीज होते हैं ना, वो वाला है। तो इसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, और सर्दी में खाते हैं, गर्म होती है ये, और लेकिन आलू में डाल के बहुत टेस्टी बनती है। तो इन सबको रख दी हूँ सब्जी को, और गाजर सारा छील के धो के लेके आई हूँ। और आज घिस के नहीं बनाऊँगी, ऐसे ही कट करके बनाऊँगी। मैं पहली बार इस तरह से बना रही हूँ, देखती हूँ कि कैसा बनता है। हमेशा तो मैं घिस के बनाती हूँ, तो मैं कही आज थोड़ा अलग ट्राई करते हैं। तो सारे गाजर को काट ली हूँ, और यहाँ पे 1 चम्मच घी रख रही हूँ, और कुकर में बनाऊँगी क्योंकि गाजर बहुत है और कढ़ाई में नहीं बनेगी इतना बनाने में। और घिस के नहीं बना रही हूँ तो इसको पकने में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए कुकर में बनाऊँगी। तो गाजर अच्छे से भून ली हूँ घी में, और ये थोड़ा कुक भी हो गया है, तो अब दूध डाल रही हूँ। तो 1 लीटर दूध है, एकदम फुल क्रीम वाली, उबाल ली हूँ पहले ही इसे। तो आधा लीटर के लगभग रखी हूँ, आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा रखी हूँ, ज़्यादा दूध नहीं रखूँगी, नहीं तो फिर उसे सुखाना पड़ेगा ज़्यादा टाइम के लिए। तो उतना ही रखूँगी जिससे कि ये कुक हो जाए गाजर अच्छे से। और इधर दूसरी तरफ दूध चढ़ाई थी उबलने के लिए, वो भी उबल गई है। तो अब इसमें मैं रख रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर, क्योंकि खोआ नहीं रख रही हूँ, तो मावा नहीं रख रही हूँ, तो बगैर मावा का बना रही हूँ, इसलिए 2 चम्मच मिल्क पाउडर रखी हूँ। कभी बगैर मिल्क पाउडर का भी बनाती हूँ, पर मिल्क पाउडर डालने से और मुझे टेस्टी लगता है, मैं 1-2 बार बनाई हूँ। तो अब इसमें चीनी डाल दी हूँ, चीनी डाल के अब इसे और कुक होने के लिए छोड़ दी हूँ। और इधर थोड़े से ड्राई फ्रूट रखूँगी, तो काजू ली हूँ, बादाम और किशमिश। तो बादाम और काजू को थोड़ा सा घी डाल के इसको भून लूँगी, पर कट करके भूनूँगी। तो इन सभी को कट कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा ही ड्राई फ्रूट है, तो इसीलिए कलछुल में भून रही हूँ। अब इतने के लिए कढ़ाई नहीं लगाना था मुझे, तो इसके लिए तो भून गई है, अब इसे रख देती हूँ। और हलवा तैयार भी है,
दूध पूरी तरह से सूख गया है, देख सकते हैं। तो हलवा तैयार है, तो अब निकाल लेती हूँ इसे और गरम गरम देती हूँ खाने के लिए। मुझे ठंडा होने के बाद अच्छा लगता है, पर अनु को इन्हें गरम हलवा अच्छी लगती है। तो दोनों के लिए निकालती हूँ और मैं डिनर करने के बाद खाऊंगी। अभी डिनर बनाई भी नहीं हूँ। देखने में तो अच्छी लग रही है, अब जब खाएंगे तो पता चलेगी कि ये कैसी बनी है। पर कलर तो बहुत अच्छा आया है, जैसे घिस के बनाते हैं वैसे ही दिख रहा है। तो दे देती हूँ इन लोगों को। और ये देखिए अनु पढ़ रहा है, तो ये इसके पास बैठा है। ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं। अनु जब गेट बंद कर लेता है, क्योंकि पढ़ाई में ये डिस्टर्ब करता है, तो ये उसके गेट के बाहर तब तक बैठा रहेगा जब तक कि ये गेट खोल ना दे। बस ऐसे ही मस्ती करते रहता है। तो इनको दे दी हूँ, ये दूसरे कमरे में है। और इधर अनु के लिए लेके आई हूँ। टाइगर भी है, मांगेगा तो, लेकिन देंगे नहीं क्योंकि इसमें घी ज़्यादा है और चीनी भी है, तो ये उसको नुकसान करेगा। टाइगर टाइगर, सोना सोना, बच्चा बच्चा बच्चा, ये बच्चा, ये देखो, इसमें इसमें तो क्या अनुभव अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। बोल रहा है टेस्ट तो अच्छा है, पर वो छोटे छोटे पीसेस जो रह गए हैं थोड़े से, वो मुंह में आ रहे हैं, तो वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। और मैं जानबूझ के छोड़ी थी, क्योंकि अगर हम पूरी तरह से उसको मैश कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए। लेकिन इसे नहीं पसंद आया, ये देखो हो गई बदमाश। ये ऐसे ही खेलते रहता है अपने अपने खुद से ही। टाइगर क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है सोना, क्या हो रहा है। चलिए तो मैं अपनी वीडियो की यही एंडिंग करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सोना बाय, सोना बाय बाय बाय, सोना बाय। क्या क्या है इसमें, कुछ तो नहीं है। बाय।